Hello friends, let us begin further chapter Bills of Exchange. Theoretical और practical एक अनोखा संगम है. Lecture ध्यान से सुनने का, disturb होने का नहीं, एकाग्रता concentration is necessary. बाबूजी, आज मुझे आपके सामने टॉपिक रखना है डिसऑनर ऑफ बिल. डिसऑनर ऑफ बिल. हमने सिर्फ ऑनर देखा है. ऑनर मतलब ड्रॉइंग पेड द बिल ऑन द ड्यू डेट. बिल इज ऑनर्ड. ड्रॉइंग ने पैसा दे दिया और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बड़े आराम से सॉल्व करवाया मैंने. जहां भी लगता है वो रिवाइज कर लेने का अपने आप, ये एक ऐसी मेथड है ना कि मेरा मान लो आपको एक शब्द नहीं सुना ठीक से तो आप रिवर्स में जाके मुझे दोबारा तिबारा सुन सकते हो. बढ़िया है, आनंद है. कभी कभी लगता है नॉर्मल लेक्चर में यह सुविधा किधर है कि मुझे आप रिवर्स में ला सको. तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी है. ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल. बाबूजी वही कहानी, ए ड्रोवर था, बी ड्रोवी, ए के लिए ये बिल रिसीवेबल है, बी के लिए ये बिल पेएबल है. डिसऑनर का मतलब सीधा है. बाबूजी मिस्टर बी फेल्स टू मेक द पेमेंट. मिस्टर बी फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट. समटाइम्स ही डोंट वॉन्ट टू मेक द पेमेंट. कभी कभी दादागिरी भी होती है जी, भाईगिरी के नहीं देना है, जा क्या कर लेगा, होता है. लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि आदमी की परिस्थिति ठीक नहीं है और वो पैसा नहीं दे सकता. और कभी कभी वो होशियारी में भी कि जा नहीं देगा, जो होना है कर ले. बाबूजी जो होना है कर ले, तो मेरे को करने को बहुत कुछ है क्योंकि ये लीगल बिल है, स्टैंप लगा हुआ है, सिग्नेचर है, बी ने एक्सेप्ट किया है. और आज वो ये बोले कि जो होता है कर ले, तो बाबूजी करने को बहुत कुछ है. उसको जेल में अपन बंद करा सकते हैं, मगर उसकी फॉर्मालिटी क्या है ये भी तेरे को समझना पड़ेगा. और यही मैं डिस्कशन लेके आया हूं. डिसऑनर ऑफ बिल. On the due date, Mr. B fails to make the payment. The bill is called dishonor. मैं बाद में लिखवाता हूं डेफिनेशन, पहले जरा मेरी चर्चा सुन ले, फिर मैं थोड़ा डिक्टेशन दूंगा. बाबूजी जिसके हाथ में बिल है, जिसके हाथ में बिल है इज कॉल्ड होल्डर ऑफ द बिल. होल्डर ऑफ द बिल मतलब जिसके हाथ में बिल है. मान लो फिलहाल अपन मान के चलते मिस्टर ए के पास वो बिल पड़ा है. बिल वॉज रिटेन एज यू कैन सी इन माई पिक्चर. तीन महीना हो गया, लीगल ड्यू डेट हो गई. मिस्टर ए बी के पास जाता है, बिल बताता है और बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, यानी इट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ बिल. अब मिस्टर ए क्या कर लेगा,
यानी कि जिसके हाथ में बिल है होल्डर क्या कर लेगा? आंसर, ही विल टेक सम लीगल एक्शन, लीगल स्टेप्स। बाबू जी चुप तो नहीं बैठ सकते है ना, कानून नाम की भी तो कोई चीज है बच्चा, और ये तो लीगल बिल है, मैंने पहले ही तेरे को वो स्टैम्प बिल सिग्नेचर वगैरह बताया है। तो लीगल एक्शन क्या लेने का जरा सुन बाबूजी। जब भी ये बिल डिसऑनर होगा तो जिसके हाथ में बिल है यानी कि होल्डर, फिलहाल मैंने माना मिस्टर ए के पास बिल है, बिल इज रिटेन्ड, तो मिस्टर ए बाबूजी एक इंसान के पास जाएगा, जरा देख लीजिए ये वकील है जी, इसको मैं नोटरी पब्लिक बोल रहा हूं। ये इंसान इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वकील है जी, आप भी रस्ते पे कभी ये वकील के बोर्ड के ऊपर देखना, उधर लिखा होता है नोटरी पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट इस इंसान को कुछ एक्स्ट्रा ऑथोरिटी और पावर देता है। क्या है वो आप देखेंगे अभी। सो मिस्टर ए अप्रोचिंग नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, उसको अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर टीसी होता है, रेलवे बाबूजी स्टेशन मास्टर होता है, तो टीसी का काम है वो टिकट के बारे में, उसका अपॉइंटमेंट है उधर, स्टेशन मास्टर का काम है वो स्टेशन की बराबर देखभाल, ये वो, उसका अपॉइंटमेंट है। ऐसे नोटरी पब्लिक इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू लुक इन टू द मैटर ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट, डिसऑनर ऑफ हुंडी एक्सेट्रा, कोई भी ऐसे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का पेमेंट नहीं होता है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट डिसऑनर होता है। बाबूजी याद रखना, कभी भी किसी को आप चेक दो ना, जीवन में याद रख लेना, ये डिसऑनर नहीं होना चाहिए। आप सोच समझ के चेक दीजिए कि आपके खाते में पैसा है, चेक क्लियर हो जाना चाहिए, वरना आपको जेल हो सकता है। प्लीज, हाँ उसकी लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जो मैं तेरे सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मिस्टर ए नोटरी पब्लिक के पास गया, देखना जरा वकील का ऐसा मैंने पहनावा करके खड़ा कर दिया रे, नोटरी पब्लिक, नोटरी बाबू, वकील है जी, बड़े खोपड़ी लोग होते हैं वकील, खतरनाक। चल भाई अपने को उसकी अभी चर्चा नहीं करनी है, खतरनाक, अपने को अपना काम देखना है। तो मिस्टर ए बिल लेके नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, एक्सप्लेन द स्टोरी कि ये मेरे पास बिल है, मिस्टर बी का था, ये अमाउंट था, 3 महीना था, वगैरह वगैरह। नोटरी पब्लिक भी एक नोटिस मार के मिस्टर बी से पूछ लेगा कि भैया सावधान, मिस्टर ए आया है तेरी कंप्लेन लेके दैट यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट, आई एम गिविंग यू लास्ट चांस, मेक द पेमेंट, अदरवाइज गेट प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर लीगल एक्शन, तेरे सामने लीगल एक्शन चालू हो जाएगा। ऐसा एक मौका नोटरी पब्लिक भी बी को दे देता है। बी ने पेमेंट नहीं किया तो बाबूजी नोटरी पब्लिक के पास एक रजिस्टर होता है, बड़ा बुक, उसमें नोटरी पब्लिक पूरा डिटेल ये डिसऑनर का नोट डाउन करता है, नोटिंग द
डिटेल ऑफ द बिल, हु इज द ड्रोवर, ड्रोवी, एड्रेस, ये वो, पीरियड, अमाउंट, पूरा अपने रजिस्टर में लिखता है ये नोटरी बाबू, नोटरी पब्लिक। और बाबूजी उसने लिखा है, उसका एक रिसीट जैसा, यानी कि एक रिसीट बोलो कि एक सर्टिफिकेट जैसा आपको दिया जाता है ए को, कि ठीक है बाबू मैंने सब नोट डाउन कर लिया, तुम्हारा नाम, उसका नाम, ये वो, अमाउंट वगैरह क्या था, और ये तुम्हारा फैक्ट है कि ये बिल डिस ऑनर हुआ था, मैंने अपने वहां लिख लिया है 100 तारीख को। बाबूजी ऐसा एक रसीद, यानी कि एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट जैसा नोटरी पब्लिक ए के हाथ में दे देता है कि यू केम टू मी एंड द बिल वॉज डिसऑनर। बाबूजी इसको बोला जाता है, ये जो बिल डिसऑनर हुआ वो उसने अपने रजिस्टर में लिखा और उसका वो अपने को रसीद जैसा देता है, इसे सर्टिफिकेट जैसा कि यस योर बिल डिसऑनर, ये लीजिए मैं लिख के देता हूं, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूं, नोटरी पब्लिक। बाबूजी लिख के देता है और वो अपने रजिस्टर में भी लिखा है जी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके सामने, रसीद जैसा, सर्टिफिकेट जैसा, इसे कहा जाता है प्रोटेस्ट। बाबूजी ये शब्द मुझे तुझे देना था। प्रोटेस्ट मीन्स वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीट, यू कैन से सर्टिफिकेट गिवन बाय नोटरी पब्लिक। इट इज अ प्रूफ दैट योर बिल इज डिसऑनर्ड एंड ही हैज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, नोट किया है फुल डिटेल। देयर इज कॉल्ड नोटिंग द डिटेल अबाउट डिसऑनर। और आपको ये एक रसीद दिया, उतना ही नहीं आपसे पैसा भी लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो नोटरी पब्लिक जो काम करता है ना जी, भाई जी फोगड़ में नहीं करता, ओए गवर्नमेंट का आदमी है तो क्या फोगड़ काम करेगा जी, ये काम करने का वो पैसा लेता, वो भी लिखता है कि आपसे मुझे 100 रुपया मिला है या 50 रुपया मिला है, जो भी उसने चार्ज लिया है ना बाबू जी, इसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। मतलब वो ये भी लिखेगा नोटरी पब्लिक कि मुझे 100 रुपया तुमसे मिला है बाबू जी, उसका भी ये रसीद है, मिस्टर ए ने नोटरी पब्लिक को वो 50, 100, 200 जो भी ले रहा है, जिसको हम लोग नोटिंग चार्जेस बोलेंगे, मिस्टर ए ने ये पैसा उसको देना पड़ेगा। आप सोचेंगे साहब जी एक तो बी से पैसा आया नहीं और ऊपर से ये तिलक लगा रहे 100 रुपये का, अब और मतलब ए के जेब से पैसा जा रहा है, पैसा आया नहीं और पैसा जा रहा है। यस बाबू जी हिंदुस्तान में कोर्ट कचेरी का खर्चा चलते रहता है, लेकिन एक मिनट, ये पैसा ए ने चुकाया फिलहाल अपने जेब से क्योंकि वो होल्डर है और वो नोटरी पब्लिक के पास गया है। सो होल्डर ऑफ द बिल पेइंग नोटिंग चार्जेस। सावधान, आगे चल के ये पैसा 100 रुपया बाबूजी अपने को बी पे चढ़ा देना है, बी पे चढ़ा देना है मतलब बी को ये चार्ज करना है, मतलब आगे चल के अपन बी से 10,000 रुपया प्लस 100 रुपया यानी 10,120 बी से वसूलेंगे। हाँ तो ये वाक्य सुन ले, नोटिंग चार्जेस 100 रुपया बाबूजी, नोटिंग चार्जेस इट इज फाइनली लॉस फॉर ड्रोवी। हाँ नोटिंग चार्जेस शॉर्ट में लिखा एनसी, पेड बाय हुम, पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल। सावधान, पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल बट इट इज लॉस फॉर ड्रोवी।
बाबू जी लॉस तो ड्रोवी के माथे पे गया। हाँ फिलहाल आपको आपके जेब से पे करना पड़ेगा, इट इज अ ट्रू। आपको प्रोटेस्ट मिल गया, रसीद सर्टिफिकेट कि आपका बिल डिसऑनर हो गया, 100 रुपया आपने दे दिया नोटिंग चार्ज का। और हाँ अभी ये प्रोटेस्ट लेके बाबूजी आप कोर्ट में जाएंगे, यू कैन गो टू कोर्ट एंड फाइल केस अगेंस्ट मिस्टर बी, और वो अंदर जाएगा बाबूजी कानून के कोर्ट के कहने से। सीधा आप कोर्ट में नहीं जा सकते, पिक्चर में बताते हैं ना ए जज साहब ऐसा नहीं होता जी। कोर्ट में जाने के लिए आपके पास प्रॉपर वे होना चाहिए ना, कोई भी जाएगा कोर्ट में और बोल देगा इसको अंदर करो, कर देगा क्या भैया, कोई फॉर्मेलिटी होती है ना। तो आप नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, नोटरी पब्लिक भी बी को एक मौका देता है, पूछताछ करता है, नोटिस मारता है, और वो पेमेंट नहीं करता है यानी ये प्रूफ है कि वो पेमेंट नहीं किया है, तो नोटरी पब्लिक अपने रजिस्टर में लिखेगा डिटेल और उसका रसीद देगा, पैसा भी लेता है नोटिंग चार्जेस। सोच ले, फोकट नहीं करेगा। हाँ ये पैसा तेरे को एक बार अपने जेब से देना पड़ता है, तेरे को यानी होल्डर ऑफ द बिल, यानी जो इंसान नोटरी पब्लिक के पास गया है वो नोटिंग चार्जेस चुका दे, और फिर ये प्रोटेस्ट ले ले नोटरी पब्लिक से, जो रसीद है मैंने कहा सर्टिफिकेट है, और फिर आप कोर्ट में जाएंगे अपना केस दाखिल कराएंगे वगैरह, और फिर बी अंदर जाएगा, पक्की बात है। मगर ये प्रोसीजर आपको करना पड़ता है, सीधा ऐसा कोर्ट के दरवाजे पे दस्तखत नहीं दे सकते, हेलो मैं आ गया रे ओ बी को अंदर करो चलो, ऐसा नहीं होता, आपकी बात को कौन मानेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने सिखाया ये याद रखना, दैट्स इट। मुद्दे की बात पे आ रहा हूं बाबूजी, नोटिंग चार्जेस जरा सुन ले, देख नोटिंग चार्जेस जरा सुन ले, कौन पे करेगा सुन ले। अगर जो मिस्टर ए होल्डर है तो मिस्टर ए चुकाएगा, यानी कि बिल इज रिटेन कैप्ट, तो मिस्टर ए चुकाएगा। बाबूजी बिल रिटेन है, केस नंबर वन, तो मिस्टर ए चुकाएगा। एक मिनट, अगर जो बिल डिस्काउंटेड हो गए तो बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, और डिसऑनर होएगा तो नोटिंग चार्जेस बैंक चुकाएगा, क्योंकि बैंक इज द होल्डर, इसके हाथ में बिल है ना वो चुकाएगा। और सुन लेना जरा स्टोरी सुन, मजा आएगा। डिस्काउंट किया था ना अपन ने बैंक के पास, बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक, और बैंक है ना हथौड़ा पहले ए के माथे पे मारेगा, क्योंकि बैंक पैसा मिस्टर ए को दिया है, तो बैंक एक के माथे पे थोड़ा मारेगा, ए को बोलेगा तू अंदर चल, और ए वापस वो बी की बोची पकड़ेगा, ऐसा इसको बोची बोलता है, ऐसा कॉलर ऐसा बीच में से पकड़ना बोची, ए बी को भी अंदर लेके जाएगा, मतलब ए और बी दोनों ससुरे अंदर, गजब है बाबू जी। जिसका जिसका सिग्नेचर है ना बिल के ऊपर सब अंदर जाएंगे, जरा सुन स्टोरी थोड़ा खींचता हूं बाबू जी। मान लो बिल ए ने सी को दिया था, मान लो ए ने सी को दिया था मान लो, और सी ने डी को दिया था मान लो, ऐसे एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट याद आया क्या बाबूजी? डी ने ई को दिया था और ई वाज़ द लास्ट होल्डर, और बिल डिसऑनर हो गया जी, अब देखना, और ये मिस्टर ई नोटरी पब्लिक के पास गया, ए ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, और बिल डिसऑनर, ई गया नोटरी पब्लिक के पास और उसने नोटिस मारा, बाबूजी अंदर कौन जाएगा मालूम है? ये सब लोग, ये देखना ये सब लोग अंदर जाएंगे भाई, जरा कलर बदल रहा हूं मजा आएगा तेरे को, डी को अंदर ले लो,
सी को भी ले लो, ए को भी ले लो, और ए ओ भी ओची पकड़ेगा बी का, बी को भी ले लो। चलो जिसका जिसका सिग्नेचर है सबके सब अंदर जाएंगे एक साथ, सब मिली भगत हो तुम लोग, मिली भगत समझता है ना। चलो अंदर, कानून बहुत कड़क है जी, होशियारी नहीं मरने का, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सुना है ना, देख ला लंबा कितना है, जितने का सिग्नेचर था, एंडोस एंडोस करते हैं ना एक एक दूसरे को, यार मुझके मैंने नाटक किया, ए ने सी को दिया, सी ने डी को, डी ने ई को, और ई वॉज द होल्डर, तो ई गया नोटरी पब्लिक के पास, सब वाले आगे वाले अंदर। चलिए ये आपके जानकारी के लिए बोला, अपन जरा स्टोरी को कम करते हैं बच्चा, अपन ए और सी तक ही रखते हैं ताकि ज्यादा नाटक मुझे खींचना नहीं है, लेकिन बता दिया बच्चा जिसका जिसका सिग्नेचर है सब लोग अंदर जाएंगे जी, हाँ ये पक्की बात है। चलो अपन अपनी स्टोरी पे आ जाते हैं, एंडोर्समेंट बाबू, एंडोर्समेंट मैं वापस आ गया मिस्टर, एंडोर्समेंट में क्या था, मिस्टर सी को दिया है, मिस्टर सी इज द होल्डर, तो मिस्टर सी विल पे द नोटिंग चार्जेस, जिसके हाथ में बिल है नोटिंग चार्ज देगा, और आगे वाले ए और बी अंदर जाएंगे। आगे सुन, फोर्थ केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यहां पे बैंक इज द होल्डर ऑफ द बिल, तो बैंक नोटिंग चार्जेस चुकाएगा, ऑफ कोर्स मिस्टर ए के खाते में से वो पैसा ले लेगा, उसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक ए के खाते में से 100 रुपया काट लेगा, क्योंकि बैंक एजेंट है, तो वो एजेंट है तो पूरा काम करेगा, ए का एजेंट है तो वो अपना कमीशन तो लेगा, वो बात उधर रह गई, नोटिंग चार्जेस का पैसा ए से लेगा, और ऑफ कोर्स ए बी से वसूलेगा। प्लीज सी, तो नोटिंग चार्जेस कौन चुकाता है, आंसर जिसके हाथ में बिल है, होल्डर ऑफ द बिल, तो यहां पे बैंक चुकाएगा इन केस नंबर 4। तो बाबूजी ये था डिस ओनर, थोड़ा लिख लेते हैं ताकि तेरे को भी अच्छा लगे जो मैंने अभी तेरे सामने पेश किया है, टेक डाउन प्लीज, जरा लिख ले तो, टेक डाउन प्लीज, जरा लिख ले तो, हेडिंग मार डिस ऑनर ऑफ बिल, हेडिंग मार डिस ऑनर ऑफ बिल, आई एम गिविंग सम डिक्टेशन 5 मिनट्स, लिख, व्हेन, टेक डाउन, व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, व्हेन बिल इज presented for payment on the due date and drawee fails to pay, likha tha na maine, fails to pay or refuse to pay the amount, दोनों साथ में ले लेना, फेल्स टू पे और रिफ्यूज टू पे द अमाउंट, देन द बिल इज कॉल्ड, देन द बिल इज कॉल्ड एज डिसऑनर्ड, आगे एक वाक्य और लिख, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, The notice of dishonor, notice मतलब एक inform करने का जवाबदारी, notice of dishonor should be given to all the parties, notice of dishonor should be given to all the parties except drawee, except सिवाय के drawee, देखना वो मैंने ए बी ए सी डी ई तक लेके गया ना, तो ई डी को, डी सी को
सी ए को ऐसे एक दूसरे को बताएंगे एडिसन एडिसन एडिसन, बी को बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बी ने तो खुद ने बिल डिसऑनर किया, उसको तो मालूम ही। मतलब डिसऑनर की नोटिस सबको दी जाती है एक्सेप्ट ड्रोवी, क्योंकि ड्रोवी तो मेन पार्टी है, उसी ने तो डिसऑनर किया जी, तो उसको थोड़ी नोटिस देना है। आगे लिख, हेडिंग मार, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, एक नया हेडिंग मार, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। द होल्डर ऑफ द बिल, टेक डाउन, द होल्डर ऑफ द बिल विल, द होल्डर ऑफ द बिल विल टेक द मैटर, ये जो झमेला मैटर है ना, टेक द मैटर टू नोटरी पब्लिक, टू नोटरी पब्लिक, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। नोटरी पब्लिक, मैं शॉर्ट में करता हूं, जरा लंबा नहीं करना है, या स्टोरी एक्सप्लेन किया हो जरा मजे से किया, अभी शॉर्ट में। नोटरी पब्लिक नोट डाउन द डिटेल, नोटरी पब्लिक नोट डाउन द डिटेल ऑफ द बिल, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ ड्रोवर ड्रोवी, टेक डाउन नेम ऑफ ड्रोवर ड्रोवी, डेट अमाउंट, हिज चार्जेस, कितना पैसा लेगा वो भी लिखेगा, एक्सेट्रा, इन हिज रजिस्टर, इन हिज रजिस्टर, उसका एक रजिस्टर देखना, इन हिज रजिस्टर, मिला ना, इट इज कॉल्ड नोटिंग, इट इज कॉल्ड नोटिंग, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। नोटरी पब्लिक गिव्स, है ना, वो प्रोटेस्ट तेरे को बताया ना, नोटरी पब्लिक गिव्स अ सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर, अ सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर, known as protest, known as, लिखा देख, protest, protest, full stop, continue, protest is sufficient proof, protest is sufficient proof of dishonor of bill, of dishonor of bill, full stop। एक वाक्य खाली बोल देता हूं, पहले सुन ले बाबूजी, नोटिंग करना अपने देश के अंदर के बिल होते हैं ना, इनलैंड बिल, उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि भारत भारत में ही एक अपना कोई डेटर का बिल डिसऑनर हो गया तो ऐसा नोटिंग कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन याद रखना, फॉर फॉरेन बिल अगर जो डिसऑनर होता है तो नोटिंग कराना कंपल्सरी है, इसलिए वाक्य लिख ले, टेक डाउन, नोटिंग इज नॉट कंपल्सरी, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, नोटिंग इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ इनलैंड बिल, नोटिंग इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ इनलैंड बिल, मतलब देश का बिल है,
बट इट इज कंपल्सरी, बट इट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ फॉरेन बिल। अब जो फॉरेन वाले जो भी बिल है, विदेश का पार्टी हुए, विदेशी करेंसी हुए, तो फॉरेन बिल बोलते हैं। बट इट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ फॉरेन बिल। बाबूजी, एक थोड़ा मीनिंग डिटेल में बोलना चाहता हूं, नोटिंग चार्जेस एक हेडिंग मार, इसका मीनिंग सेपरेट देना चाहता हूं। हेडिंग मार नोटिंग चार्जेस, हेडिंग मार नोटिंग चार्जेस। टेक डाउन नोटिंग चार्जेस इज द चार्ज टेकन बाय नोटरी पब्लिक, इज द चार्ज टेकन बाय नोटरी पब्लिक फॉर नोटिंग ऑफ फैक्ट, फॉर नोटिंग ऑफ फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू। इट इज पेड बाय, कौन चुकाएगा ये पैसा? इट इज पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, इसके हाथ में डॉक्यूमेंट था ना, होल्डर ऑफ द बिल, बट अल्टीमेटली, मतलब फाइनली, बट अल्टीमेटली इट इज रिकवर्ड फ्रॉम, अल्टीमेटली इट इज रिकवर्ड फ्रॉम एक्सेप्टर ऑफ द बिल, एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, यानी ड्रॉई। समझ में आया? पे कौन करेगा? जिसके हाथ में था। ये चार्ज नोटरी पब्लिक अपने पास से ले रहा है, क्योंकि वो नोटिंग कर रहा है फैक्ट ऑफ डिसऑनर, उसका ये चार्ज है। जिसके हाथ में बिल था होल्डर, वो चार्ज चुकाएगा नोटरी पब्लिक को, और फाइनली ये पैसा वो एक्सेप्टर से अपने को वसूलना है, यानी कि ड्रोवी से, यूकेन से। तो बाबूजी, मुद्दे की बात पे आता हूं। ये मैंने बताया नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? अगर जो रिटेन है तो ये करेगा, डिस्काउंटेड है तो बैंक करेगा, और बैंक ये पैसा ऐसे लेगा, सीधी बात है ना, बैंक ये पैसा रिकवरी किससे करेगा? रिकवर्ड फ्रॉम ए, मतलब बैंक ए के खाते में से बाबूजी 10,100 काट लेगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। और ए बी से ले, तुम्हारी मर्जी, आगे जाओ। सेम थिंग एंडोर्समेंट के टाइम नोटिंग चार्जेस सी भरेगा, सी पैसा ए से लेगा, ए भले बी से ले, और सेंट फॉर कलेक्शन, बाबूजी नोटिंग चार्जेस बैंक चुकाएगा, ए के खाते में से ताबड़तोड़ पैसा ले लेगा। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, जिसके हाथ में बिल है वो नोटिंग चार्ज एक बार चुकाएगा और वो अगले वाले से वसूल करेगा, और फाइनली ये पैसा बी के माथे पे लॉस है, एक्सेप्टर ड्रोवी के लिए लॉस है। बाबूजी ठीक है, पेड बाय होल्डर मैंने लिखा है, तो ये सब अभी यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे लिए मैंने वापस रिपीट किया। मुद्दे की बात पर आता हूं, और वो है एंट्रीज। बाबूजी, डिसऑनर की एंट्री
कैसे पास करना है सोचना है। सीधी बात है, चार केसेस है, चारों चार पॉसिबिलिटी का डिसऑर्डर का एंट्री मुझे तेरे को सिखाना है। बाबूजी जरा ध्यान देना, लिखना बाद में, जरा ध्यान देना, लिखना बाद में। इन ए इन बी, इन ए इन बी, जरा ध्यान देना, आराम से सुनना, क्योंकि मैं रीजन भी दूंगा किसको डेबिट किया और क्यों डेबिट किया, उसका मैं तुझे रीजन भी दूंगा ताकि तेरे को अच्छा लगे। इन ए इन बी, चल डिसऑनर की एंट्री तुझे देना है। इन ए रिटेन बिल डिसऑनर, बाबूजी रिटेन्ड बिल डिसऑनर पॉसिबिलिटी नंबर वन। जब भी बिल डिसऑनर हो जाएगा मतलब ये पैसा अपने को बी से वसूलना है। बी ने पैसा नहीं दिया ना, तो अपने को उससे ये पैसा लेने का बाकी रह गया बच्चा। बिल इज डिसऑनर्ड, बी ने पैसा नहीं दिया, तो अपने को ये पैसा बी से वसूलने का बाकी रह गया जी। बी बिकम्स आवर डेटर, दो बार और बोलता हूं, बी बिकम्स अवर डेटर, बी बिकम अवर डेटर। डेटर यानी जिससे पैसा लेना है, और जो भी अपना डेटर बन जाए ना डेबिट करने का, लाइफ टाइम खोपड़ी में डाल। एनीबॉडी बिकम्स अवर डेटर डू डेबिट, और ये भी खोपड़ी में डाल। एनीबॉडी बिकम्स अवर क्रेडिटर डू क्रेडिट, ये वापस वापस लाइफ टाइम। कोई आदमी अपना डेटर बनता है ना डेबिट कर, उससे लेना है डेटर डेबिट। कोई आदमी अपना क्रेडिटर बनता है ना उसको पैसा देना है क्रेडिट। डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ऑलवेज लाइफ टाइम। चल इधर आ वापस, एक है बुक में, ए नहीं ये पैसा बी से लेना है, बी बिकम डेटर बी अकाउंट डेबिटर। ए मैंने ब्रैकेट में लिखा देख डेटर, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना, ये तेरे को रीजन देना पड़ता है कि बी को डेबिट क्यों किया सर। अरे वो मेरा डेटर होता है, जो भी तेरा डेटर बनाया डेबिट कर। और हाँ अभी किस कितना लेगा मालूम है उससे, 10,100। चलो देख 10,000 का वो बिल का अमाउंट था, अच्छा बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट किया टू क्लोज द अकाउंट। बाबूजी बिल्स रिसीवेबल आगे अपन ने डेबिट किया था जब वो बिल आया था, अब बिल गया नहीं है फिर भी क्रेडिट क्यों किया। देख आया तो डेबिट तो तू मानता है, जावे तो क्रेडिट तो भी तू मानता है, ये बिल तो पड़ा है, डिसऑनर का सिक्का लग गया नोटरी पब्लिक का, अपने पास पड़ा है, मतलब ये बिल अभी बाबूजी वैलिड नहीं रहा। देखना तू पिक्चर देखने जाता है 3 से 6 का, मान लो एक पिक्चर में गया फर्स्ट शो, पिक्चर देख के वापस आ जा, टिकट फालतू हो गई बराबर है। एक मिनट, मेरे पास भी वही शो का वहां का टिकट था 3 से 6 का, मैं नहीं गया, टिकट पूरा है, फाड़ा नहीं उसने, तो सर अभी ये आपका टिकट गया फालतू, क्यों भाई फाड़ा किधर है उसने, और मैंने देखा भी नहीं है, तो क्या सर भले देखा नहीं है उसने फाड़ा नहीं है, टाइम तो हो गया ना, मतलब आपका टिकट अपने आप बेकार हो गया यूजलेस हो गया, वही कारण देना है मुझे, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों किया। बाबूजी बिल रिसीवेबल अकाउंट आगे डेबिट किया था ना उसको क्लोज कर, बी आर क्रेडिट। और अपने जेब से अपन ने
₹100 रोकड़ा वो नोटरी पब्लिक को चुकाया, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जरा एंट्री एक बार सुन, बी डेबिट ही बिकम्स डेटर 10,100, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्लोज कर रहे हैं, आगे डेबिट किया था अब क्रेडिट कर ले बच्चा, अकाउंट क्लोज। जो अकाउंट जब डेबिट किया था क्योंकि वो अकाउंट ओपन किया था, अब उसको क्लोज करना है, अकाउंट उल्टा कर, एंड टू कैश, पैसा गया ₹100, एंट्री बी टू बी आर टू कैश, चिल्ला रहे मेरे साथ, बी टू बी आर टू कैश, वंस मोर बी टू बी आर टू कैश, रीजन लिखा है बाद में लिखवाता हूं, जरा सुन ठीक से, और मैं जब रिपीट कर रहा हूं तो करने का, आजू बाजू कौन बैठा है देख मत, जरा समझ ले। बारात में जाते तो नाचते हैं ना, कैसे नाचते हैं, रास्ते पे नाचते साले, आड़ा टेढ़ा होके। तो इधर मैं तेरे को बोलता हूँ चिल्ला, तो चिल्लाने का ना, खाली बैठने का जरूरत नहीं है, चल भी मैं। एंट्री सुन, बी के बुक में बिस्सा में, ग्रोवी के बुक में, ले भैया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। आप बोलेंगे सर बिल आया क्या, ना रे आया नहीं है, तो आगे बिल्स पेबल अपन ने क्रेडिट किया था, उसको क्लोज करने के लिए अभी डेबिट, रीजन लिखता हूं ना देखना, टू क्लोज द अकाउंट, सुना क्या रे, डीपी डेबिट 10,000 टू क्लोज द अकाउंट, आगे देख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, डीपी डेबिट नोटिंग डेबिट, बाबूजी टू, डीपी डेबिट नोटिंग डेबिट टू मिस्टर ए ले 10,100 ले, ए बिकम अवर क्रेडिटर, बी के बुक में ए हुआ क्रेडिटर, ए को क्रेडिट कर। अभी वो मंत्र नहीं सुनाया क्या, जब भी कोई तेरा डेटर बने डेबिट कर, कोई तेरा क्रेडिटर बने क्रेडिट कर, बी के लिए ए कौन है भैया, क्रेडिटर, ए क्रेडिट। एंट्री जरा पैकेज में सुनना, बी के बुक में बिल्स पेबल डेबिट टू क्लोज द अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बाबूजी नोटिंग चार्जेस अपने लिए लॉस है बच्चा, एक्सपेंस है बच्चा, देखना लिखा रहे ब्रैकेट में कारण रीजन, नोटिंग चार्जेस डेबिट बिकॉज इट इज लॉस फॉर मिस्टर बी एंड टू मिस्टर ए, द अमाउंट पेबल टू मिस्टर ए, ए बिकम्स क्रेडिटर, ए अकाउंट क्रेडिटेड। एक बार और सर, बीपी डेबिट नोटिंग डेबिट टू ए, ये रिपीट करना, बीपी डेबिट नोटिंग डेबिट टू ए, एक बार और, बीपी डेबिट नोटिंग डेबिट टू ए, जरा घर पे भी रिहर्सल करना ऐसा, हाँ अच्छा लगेगा, कोई पागल पागल समझे तो समझ दे देने का, बाबू जी अपन अपना काम करने का, कोई चिंता नहीं करने का, दुनिया को देख के जिंदगी नहीं जीना, अपना लाइफ खुद जीने का बच्चा, चला गए। तो रिटेन बिल डिसऑनर, बी का एंट्री तेरे सामने देखा, ए का एंट्री तेरे सामने देखा, मैं तेरे को ये लिखवा देता हूं, चार केसेस है, चारों का डिसऑनर का एंट्री एक एक करके मैं तेरे को लिखवा दूं, तू लिख ले, चेक डाउन, हेडिंग मार, एंट्रीज फॉर डिसऑनर, स्टार्ट, आई एम डिक्टेटिंग, हेडिंग फॉर डिसऑनर, एंट्रीज फॉर डिसऑनर, हेडिंग मार रहे, एंट्रीज, अपने पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर, जर्नल पर्नल नहीं बनाना है, नरेशन अभी नहीं देने वाला हूं, चल ए बी, फोल्ड द पेज शांति से, इन ए इन बी, जर्नल नहीं बनाना है, इन ए, टेक डाउन द एंट्री,
सामने भी है, मैं भी बोलूंगा, सुन के लिख रहे, देख के मत लिख। बीज अकाउंट डेबिट 10,100, बीज अकाउंट डेबिट 10,100, ब्रैकेट में लिख डेटर। एग्जाम में ऐसा कोई रीजन लिखना नहीं है, बी डेटर। टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 टू क्लोज द अकाउंट, टू क्लोज द अकाउंट, टू कैश 100, कैश अपने जेब से गया ना, लिखा ना, देखना गोज आउट। बी टू बी आर टू कैश, ब्रैकेट मारा रे, एग्जाम में ब्रैकेट नहीं चाहिए, यहां डायरेक्ट एंट्री। चल बी में लिख, चलो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, लिख रहे हैं फटाफट, बीपी डेबिट 10,000, ब्रैकेट में डाल रहे टू क्लोज द अकाउंट। आगे बीपी क्रेडिट था, अब किया डेबिट टू क्लोज द अकाउंट। अगर एक नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस कारण, ये मेरा लॉस है, मेरा एक्सपेंस 100, लिखना ब्रैकेट में एक्सपेंस और लॉस 100। टू मिस्टर 10,100, ए अपना क्रेडिटर हुआ, टू मिस्टर 10,100, ए अपना क्रेडिटर हुआ, लिख ले। बाबूजी एक बात अभी बराबर सुन ले, जरा देख इधर, ये जो बी की एंट्री मैंने यहां बताया ना भैया, ये एंट्री बी की एंट्री मैंने अभी इधर बताया ना, बराबर देखना, ये एंट्री अपने को सेम की सेम एंट्री चार टाइम पास करनी है, तो मैं दूसरी तीसरी बार चौथी बार पास नहीं करूंगा, एक बार ये बताया वही चारों बार वो का वही है। बी के बुक में डिसऑनर की एक ही एंट्री आएगी जो बताया वो सामने है वो, हाँ ए के बुक में चारों बार अलग अलग एंट्री आती है जिसकी मैं बातें करूंगा। तो बी के बुक में कोई भी पॉसिबिलिटी हो वह डिस ओनर की सेम एंट्री, ओनर की भी तो सेम थी, इफ यू रिमेंबर चारों बार एक ही एंट्री पास किया था, डिस ओनर की भी सेम, ठीक है बच्चा, चार बार यही एंट्री है, तो भी मैं बोलूंगा नहीं, खाली ए में मैं बातें करूंगा, जरा मुझे आगे बढ़ने दे। चल रिटेन बिल डिसऑनर स्टोरी ओवर, ए में आगे बढ़ रहा हूं, अब तू मेरे साथ लिख सकता है, लिख डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, लिखना मेरे साथ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड मतलब अपन ने बैंक को दे दिया था रे, बैंक वॉज द होल्डर रे, नोटिंग चार्जेस बैंक चुकाएगा, मेरे खाते में से खाली नोटिंग चार्जेस नहीं बिल का पैसा भी ले लेगा, मतलब बैंक को तो ड्यू डेट पे पूरा पैसा चाहिए, मतलब मेरे खाते में से एक ही खाते में से बैंक पैसा निकाल लेगा, और हां हम ये पैसा बी से लेंगे, तो एंट्री क्या आएगी, बी अकाउंट डेबिट, बी बिकम अवर डेटर, अभी कारण नहीं लिखता हूं, एंड टू बैंक 10,100, मेरे साथ लिख बी टू बैंक, बैंक क्रेडिट क्यों, अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक को पूरा पैसा चाहिए भैया, 10,000 बिल का और 100 रुपया नोटिंग का, जरा ब्रैकेट ऐसा बाहर रहे, बाद में नहीं मारना है, बैंक को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, अपन बी से लेंगे, बी बिकम डेटर, और ये पैसा
बैंक अपने खाते से ले लेगा, यानी अपने को बैंक को देना पड़ेगा, यानी बैंक बिकम अवर क्रेडिटर, यू कैन से लाइक दैट इवन। तो टू बैंक मैंने लिखा, देख बैंक बैलेंस रिड्यूस, हमारा बैंक बैलेंस कट हो जाएगा। कोई शाणा तुम में से सोचेगा ही कि सर बैंक मेरे खाते में से पैसा ले लेगा, आप बोल रहे हो, मेरे खाते में पैसा ही नहीं हो तो बैंक कैसे लेगा। मैं जानता हूं तुम हिंदुस्तानी लोगों के खोपड़ी में ये विचार आएगा ही कि मेरे खाते में ये पैसा नहीं आएगा तो बैंक कैसे काटेगा। बच्चा बैंक भी तेरे से तो बड़ा है ना उम्र में भी, साला तू अभी पैदा हुआ, 17 साल हुआ नहीं, उल्टे सीधे खोपड़ी में विचार करता है मेरे खाते में पैसा नहीं है बैंक कहां से लेगा। बाबू तेरे खाते में से ले लेगा, एक बात पैसा है तो निकाल लेगा, नहीं है तो तेरे खाते को ओवरड्राफ्ट कर देगा। ओवरड्राफ्ट मतलब तेरे को बैंक ने लोन दिया, पकड़ जबरदस्ती तेरे पास से इंटरेस्ट लेगा, तेरे पास से चार्ज लेगा, फाइन लेगा, पेनल्टी लेगा, और हाँ ये नोटिंग चार्ज भी तेरे पास लेगा, और हाँ तेरे को भी अंदर डालेगा कि ए और बी दोनों फ्रॉड लोग है, पकड़ो। और तू बोलेगा भैया मैं नहीं, हो तो बी है, तो तू बी को जान, हम तो तेरे को अंदर करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा लेने को तू आया था बदमाश, मेरे खाते में पैसा नहीं आएगा तो ले। अरे तेरे खाते में पैसा नहीं आएगा ना, तू कहां से भी पैसा लाके बैंक को देगा, क्योंकि कभी कभी बैंक है ना ओवरड्राफ्ट देती नहीं है, सीधा जेल में डालती है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट देने के लिए भी बाबूजी तेरी औकात होनी चाहिए। सुना, ओवरड्राफ्ट नहीं देना है तेरे को, जेल में डालना, चल तूने गुनाह किया है, बैंक का पैसा वापस डाला, बहुत बार हुआ ऐसा, इसलिए नादान मत बन। बहुत सारा कारण है कि अपने खाते में पैसा नहीं हुआ, बाबूजी पैसा है तो काट लेगा, नहीं है तो ओवरड्राफ्ट करेगा, फिलहाल ओवरड्राफ्ट से संतोष मान ले, वरना अंदर चल, फिर घर के दागिने घर भी बेच के भी पैसा देना पड़ता है भैया, बदनामी नहीं हो इसलिए अपन पैसा दे देते हैं, ध्यान रख। चल एंट्री बी टू बैंक, शांति से समझ भाई, अपने खाते से बैंक पैसा ले लेगा। बी में वही एंट्री, इसलिए मुझे बोलना नहीं है। बाबूजी केस नंबर थर्ड, एंडोर्स बिल डिसऑनर। चल मेरे साथ लिख दो, एंडोर्स बिल डिसऑनर। अपन ने सी को दिया था, सी नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, नोटिंग चार्जेस चुकाएगा, वो अपने को ए को पकड़ेगा, अपन बी को पकड़ेंगे। मतलब ए के बुक में ये एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, देख तो बराबर। बी अकाउंट डेबिट, ही बिकम्स अवर डेटर, ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं घड़ी घड़ी कि वो मेरा डेटर बन गया। एंड टू मिस्टर सी, बाबू जी टू मिस्टर सी, सी बिकम अवर क्रेडिटर, देख ले बी डेटर डेबिट, सी क्रेडिटर क्रेडिट, एंट्री पूछे तो बी टू सी, सिंपल है, डिसऑनर्ड, बी डेबिट क्योंकि बी हमारा डेटर, सी क्रेडिट क्योंकि पैसा आपने को सी को चुकाना पड़ेगा, आगे देखा ना पैसा बैंक को देना पड़ेगा, बोला था ना रे, अभी अपन ये पैसा तो किसी को चुकाना पड़ेगा, उधर पैसा बैंक को देना पड़ेगा, इधर पैसा सी को देना पड़ेगा, एंट्री बी टू सी। और बी में वही एंट्री है, नहीं बोलना है। आखिरी केस नंबर फोर लिख ले तो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड। लो बच्चा मेरे साथ लिख ले भैया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड, एंट्री ए में, चल मेरे साथ, व्हिच बी डेबिट, तेरा ध्यान गया है ना,
तो बी को मैंने डेबिट किया, चौथी बार ही बिकम अवर डेटर, चारों एंट्री में बी डेबिट है, नोट में देख एक है, चारों पॉसिबिलिटी में 20 ओनर में डेबिट बी है, चार बार ये चौथी बार बी डेबिट है, देख बी डेबिट। और हाँ टू मेरे साथ लिख रहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी एजेंट का अकाउंट। बाबूजी ओनर हो या डिस ओनर, एजेंट का अकाउंट क्लोज होना ही है ऑन द ड्यू डेट पे। पैसा मिले कि नहीं मिले, एजेंट ने अपना कर्तव्य किया रे, उसका अकाउंट अपन ने ओपन किया था ड्यू डेट पे क्लोज कर, पैसा मिले कि ना मिले एजेंट का अकाउंट क्लोज होना ही चाहिए, तभी एजेंट को डेबिट किया था, ले अभी क्रेडिट किया। ब्रैकेट में लिख रहा हूं टू क्लोज द अकाउंट, टू क्लोज द अकाउंट एंड टू बैंक, टू बैंक मतलब अपना बैंक बैलेंस कम हो गया, अपना बैंक बैलेंस कम हो गया। सो व्हाट इज द एंट्री प्लीज सी, बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, बी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। और हाँ बी में वही एंट्री है जो अपन ने पहले एक बार देखा। बाबूजी मुझे लास्ट दो मिनट आपके साथ में बातें करना है। बी में तो एक ही एंट्री थी, बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग डेबिट टू ए, ए बिकम्स क्रेडिटर, बी के बुक में एक ही एंट्री है बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग डेबिट टू ए। जरा ए के बुक में आप देख लीजिए क्या उधर अपन ने काम किया है। बाबूजी रिटेन के टाइम बी डेबिट हुआ, डिस्काउंट के टाइम भी बी डेबिट हुआ, बाबूजी एंडोस के टाइम भी बी डेबिट हुआ, बाबूजी सेंट फॉर कलेक्शन के टाइम भी बी डेबिट हुआ, चारों एंट्री में बी डेबिट है। जरा सुन ले, ए के बुक में बाबूजी, ए के बुक में टीस ओनर के टाइम बी को हमने चार बार डेबिट किया है, अगर जो बिल रिटेन था तो टू बी आर टू कैश लिखा, अगर जो बिल डिस्काउंटेड था तो टू बैंक लिखा, अगर जो एंडोस था तो टू सी लिखा, और अगर जो बैंक को दिया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन और अपना बैंक बैलेंस भी कम हुआ था बिकॉज ऑफ नोटिंग, देख तो ये चारों चीज को तू बराबर देख ले भाई साहब। बी तो डेबिट करना ही है, केस नंबर वन टू बी आर टू कैश, केस नंबर टू टू बैंक, केस नंबर थ्री टू सी, और केस नंबर फोर पॉसिबिलिटी नंबर फोर सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। जरा देख ले तो इस एंट्री को मैं एक नाम देता हूं जंबो एंट्री, मेरे तरफ से भी बुक में नहीं मिलेगा जंबो एंट्री। अपन जंबो वड़ा पाव देखा है ना, ये एंट्री ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेंगे कभी नहीं, लेकिन क्या है रे अक्खा डिस ओनर, मैं तेरे को एक एंट्री में दे दू तेरे को अच्छा नहीं लगेगा क्या, लगेगा ना, अच्छी बात है। देख एंट्री ए के बुक में बी डेबिट, क्रेडिट में चारों अलग अलग है, रिटेन हो तो टू बी आर टू कैश,
डिस्काउंटेड हो तो टू बैंक, इंडोस हो तो टू मिस्टर सी, और कलेक्शन के लिए बैंक को दिया हो तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। ये चारों एंट्री का एक जंबो एंट्री तेरे सामने है, लिख लेना इन ए। हाँ, हेडिंग मारना है तो मार जंबो एंट्री, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा, ना कोई पूछने वाला है। हाँ बाबूजी, ये तो तू मेरे साथ बैठा है तो कुछ तेरे को ज्यादा मिलना चाहिए ना, एक स्टाइल है रे। चल लिख, बैंक डेबिट टू बी आर टू कैश, ऐसा एरो बाजू में जरा ऐसा ब्रैकेट मार, टू बैंक टू सी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, अमाउंट के साथ लिख रहे, टू बी आर 10,000 कैश 100, बैंक 10,100, सी 10,100, बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000, टू बैंक 100। तो बाबूजी, ये था अपना डिसऑनर का आज का एपिसोड। रिवाइज करते रहना, छोड़ना नहीं, जरूरी है। ठीक है, टेक केयर, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।